यहाँ मन कामेश्वर मंदिर के प्रभारी आदरणीय ब्रह्मचारी श्री धरानंद जी यहाँ पादुका पूजन संपन्न करेंगे और उनके साथ जो वैदिक विद्वान हैं वो सभी यहाँ पादुका पूजन संपन्न कराएंगे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगितो विवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षम शवायाभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु तिराजम ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि यक्षदान गृहीतवा ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ध्याये ध्यायाम पुष्पं समर्पयामि आचमनीयम् पाद्योह पाद्यम हस्त्रयोर्यर्घम मुखे आचमनीयम् सर्वांगे स्नानीयम् जलम समर्पयामि गंधानुलेपनम त्वां गंधर्वाय खनस्त्वां बिन्धस्वां बृहस्पतिः त्वां मोक्षदेशो मोराज विद्वानिक्ष्मादमुक्षत अक्षन्नमे मदन्तः वप्रियाय धूकताय स्तोकत सभानवो विप्रानविष्ठया मदीयो जानविन्द्रते हरिः ओम ओखधीः प्रतिमोदधवं पुष्पवतीः प्रशोर्वरीः यस्वायिव सजित्ववीर्वीरुधः पारयिष्णवः पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं नैवेदयामि ऋतुफलान् समर्पयामि इदं फलं मया देवस्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि ऋतुफलान् समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः वदरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुदैमं कस्मै देवायः विघाविधेम द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। ओम जगनेन यज्ञमयजं तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पुरवे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। पूज्यपाद जो द्वारका शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज को आगे भी मेले में किसी कार्यक्रम में अपना उपस्थिति अपनी उपस्थिति देनी है तो अभी सर्वप्रथम आप उनके प्रवचन को यहाँ श्रवण करेंगे। ओम नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितांतकरणाः अलकनंदा तीरवासिनः उत्तरा दक्ष पश्चिमां नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की हर हर महादेव। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेश्च विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहिकं सत्यं परं धीमहि।
ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, गंगा मैया की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, पीठद्वयाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की हर हर महान। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उपदेश देते हुए, अर्थात अंतिम उपदेश, आज का अंतिम उपदेश था उनका, जिसमें उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, राजन हमने तुम्हें भागवतामृत का पान करा दिया है, अब तुम अपने आप को उस परमात्मा में समाहित कर लो, स्थित कर लो जो इस कथा का सार है, परम तत्व है, जिसे अमृत तत्व कहते हैं, जिसके अधिकारी वो देवता भी नहीं थे जो सुधा कुंभ लेकर के आए थे, प्रार्थना करते थे परीक्षित को सुधा कुंभ दे दीजिए, हमें कथा श्रवण करा दीजिए। वह देव दुर्लभ कथा प्रसंग हमने तुम्हें सुनाए हैं, अब तुम्हें तुम्हारी जो स्थिति है वह ब्रह्म की हो गई है, तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए, अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्मा हम परमम पदम एवं समीक्षनात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले, मैं ब्रह्म हो गया हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, हो गया हूँ और हूँ, इतना ही भेद है बस, और यही भेद हमें जीवत्व प्रदान करता है, और यही जीवत्व, यही इसी जीवन में संसारित्व आता है, अल्पज्ञत्व आता है, अनीश्वरत्व आ जाता है, और बस उसी को दूर करने में पूरा जीवन निकल जाता है। अपने आप को अपने आप में ही तुम समाहित कर लो कि मैं ब्रह्म हो गया हूँ, नहीं ब्रह्म मैं हो गया हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म मैं हूँ, इसको कहते हैं व्यतिहार। सारे भेद जहाँ नष्ट हो जाया करते हैं, भेद बुद्धि ही आध्यात्मिक पतन है और अभेद बुद्धि ही आध्यात्मिक उत्थान है, तुम ब्रह्म हो चुके हो राजन। तंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, तुम्हारी मृत्यु होगी, इस पशु बुद्धि को तुम नष्ट करो, अब तुम नहीं मरने वाले, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा उपदेश सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया, जो पूरी श्रीमद् भागवत कथा का सार है, पूरे श्रीमद् भागवत का फल है। उसी फल को प्राप्त करने के लिए राजा परीक्षित ने उपवास का आश्रय लिया, और उनके जन्मांतर के पुण्य थे कि सुखदेव जी महाराज मिल गए उन्हें, और उन्होंने अपने मुखारविंद से वेदव्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत का श्रवण राजा परीक्षित को कराया, जिसे सर सुनकर के राजा परीक्षित कृतकृत्य हुए। उन्होंने अपने आप को सात ही दिन में वहाँ स्थिर कर लिया, जहाँ स्थिर करने के लिए बद्रीनाथ में हजारों वर्ष तक योगी जन तपस्या किया करते हैं, वो स्थिति राजा परीक्षित की हुई। अंत में सुखदेव जी महाराज ने पूछा, राजन तुम भय मुक्त हो गए हो, अब तो तुम्हें कोई भय नहीं रहा है, तुम्हारी मृत्यु होगी ये भय भी तुम्हें नहीं है,
राजा परीक्षित ने कहा, नहीं गुरुदेव, बिल्कुल नहीं है। ऋषि का साप सत्य होगा कि नहीं होगा? परीक्षित बोले, सत्य होगा। सर्प आएगा, आएगा, काटेगा, दंश करेगा, जहर चढ़ेगा, जहर भी चढ़ेगा, लेकिन गुरुदेव मैं मरूंगा नहीं, मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब जहर चढ़ेगा तो क्यों नहीं मरोगे? उन्होंने कहा कि मेरा ये जो पांच भौतिक शरीर है, जो अभिमन्यु और उत्तरा ने प्रदान किया है, जिसकी सुदर्शन चक्र से परमात्मा श्री कृष्ण ने रक्षा की थी, तो वो जो श्री कृष्ण परमात्मा श्री कृष्ण के चक्र से सुरक्षित जो परीक्षित है, परीक्षित नाम का राजा है, और जिस माने हमको ये रूप दिया है, उसकी मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु नहीं होने वाली, क्योंकि मैं तो अमर हो चुका हूं। भगवस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्। भगवान, मुझे मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं है। ये श्रीमद् भागवत की कथा का फल है। वो कथा यजमान परिवार ने और आप लोगों ने श्रवण करी इसी मंडप में। बात माघ मेला की है। माघ मेला में आते हैं हम, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आते हैं जो हमारे घर में नहीं है, हमारे गांव में नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है, उसे प्राप्त करने के लिए आते हैं। और वो है धर्म का फल, धर्म का पालन करना, उसके फल को प्राप्त करना। यदा मनुष्यः प्रचलन्ति गंगाम रुदन्ति पापानि मिथो बदन्ति। जब मनुष्य घर से निकलता है गंगा स्नान करने के लिए, तो उसके पाप रोने लगते हैं कि अरे मनुष्य, तू कितना कृतघ्न है, पहले हमें पैदा करता है, फिर हमारी हत्या करने के लिए गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाता है। वो ये चीज इस त्रिवेणी में आकर जो स्नान करते हैं, संगम में स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, जन्म जन्मांतर के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, कलमश धुल जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। बात केवल निष्ठा की है, वो निष्ठा होनी चाहिए, धर्म पालन की प्रति वैसी निष्ठा होनी चाहिए जैसी निष्ठा से हम मनुष्य धन कमाता है और धन की सुरक्षा करता है। वैसी ही निष्ठा जब धर्म के प्रति होती है, तब उसे धर्म का फल प्राप्त होता है। ये सब हमारे धर्म शास्त्रों ने धर्म के फल प्राप्ति के उपाय बताए हैं। यज्ञ, दान, तप, गंगा स्नान, गंगा, गौ, गायत्री, इनकी जो पूजा और उस कर्तव्य और उनके कर्तव्य, उन कर्तव्य का पालन, अर्थात कर्तव्य क्या है? यदि हम हिंदू हैं तो हम में हिंदुत्व होना चाहिए, यदि हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं उनका पालन करना हमारा धर्म होना चाहिए। तभी जितने भी धर्म हैं, जितने भी हमारे साधन हैं, जिन साधनों के द्वारा हम साध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा साधन शुद्ध होना चाहिए। जब साधन शुद्ध होगा तो साध्य अलौकिक होगा हमारे लिए, अन्यथा लौकिक सुख की प्राप्ति में हम अपने जीवन को पूरा कर देंगे। और जिसे प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ था, हुआ है, वह प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक दूसरे गंगा आरती कार्यक्रम और एक कार्यक्रम में और जाना है, तो संक्षेप में ही अपनी बात पूरी करते हुए आप सबको भगवान द्वारकाधीश और चंद्रमौलीश्वर की ओर से शुभ आशीर्वाद देते हुए, आप ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज के प्रवचन सुनेंगे, और भी वक्ता हैं उन लोगों के प्रवचन सुनेंगे। जितना हो सके अपना समय एक घड़ी, आधी घड़ी सत्संग में व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य के वे क्षण अत्यंत दुर्लभ होते हैं जब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। एक एक क्षण का, एक एक पल का सदुपयोग करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। समय का पता कब चलता है जानते हैं? जब हवाई जहाज चूक जाते हैं एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म से आपके सामने से गाड़ी चली जाती है, तब पता लगता है, करे 2 मिनट पहले आ गए होते।
तो वो दो क्षण है, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा हमारे लिए संसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त हुआ करती है। इतना ही कहकर भगवान द्वारकाधीश का स्मरण करते हुए आप सबको सुबह आशीर्वाद देते हुए अपनी बात पूरी करते हैं। ये हमारी गुरु बहन शारदाम्बा जी और पूर्णाम्बा जी, जिन्होंने गंगा तपस्या के माध्यम से जो कार्य किया है वह इनको निश्चित ही स्त्रियोचित उत्कृष्ट गरिमा को इन्होंने प्राप्त किया है। तो ये गुरु परंपरा को समर्पित कर रही हैं और ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज जी को भी ये समर्पित करेंगी। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययन्धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित संत वृंद, विद्वत वृंद, मातृशक्ति, सज्जन बंधुओं, बोलने का मौका हमको तब मिला जब मौन होने का हमारा समय आ गया, लेकिन आज हमको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि आप सबके भी मौन का समय आ रहा है। ये जान लीजिए केवल हम नहीं, आपका भी मौन का समय आ रहा है क्योंकि कल सवेरे मौनी अमावस्या का पर्व होने वाला है और मौनी अमावस्या का मतलब है जो मौन रह करके मनाई जाए वो अमावस्या। इसमें स्नान का तो महत्व ही है लेकिन इसमें मौन जरूरी है। वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, तिथ्यादि तत्व में वचन संग्रहित है, उच्चारे मैथुने चैव प्रश्रावे दंत धावने स्नाने च भोजने चैव षट्सु मौनम समाचरेत। छह स्थान हैं जहाँ पर नियम से मौन रहने का नियम है। जो सनातनी है वो छह कार्य करते हुए मौन रहता है। अब अगर समय होता तो हम छहों आपको ठीक से समझा देते लेकिन समय नहीं है, इसलिए स्नाने स्नान के समय मौन रहने का नियम है। और ये वाला स्नान कोई सामान्य स्नान नहीं है, कल भी चर्चा हुई थी
ये समय ही विशेष है, ये देश ही विशेष है, और यहाँ पर जो अमावस्या का पर्व है वो भी कोई सामान्य नहीं है, इसलिए यहाँ तो ठीक से स्नान होना चाहिए। तो स्नान करने का क्या लाभ है, स्नान का मतलब क्या होता है, और हम लोग यहाँ नहाने के लिए स्नान करने के लिए क्यों आए हैं, यही विचारणी है। भाई हमारे सबके घर में पानी है, ऐसा तो कोई नहीं आया ना कि जिसके घर में पानी ना हो, कई साल से नहाया ना हो, कि चलो गंगा में प्रयाग में जाएंगे तो स्नान करने का अवसर मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। हम लोग तो रोज नहाने वाले लोग हैं। सनातन धर्मी व्यक्ति दिन में 3 बार स्नान करता है, 3 नहीं तो 2 बार तो करता है, और 2 नहीं तो कम से कम 1 बार तो करता ही है। ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जो दिन में 1 बार स्नान ना करता हो। तो हम जहाँ पर भी भगवान ने हमको जन्म दिया है, निवास दिया है, वहाँ पर रोज नहाते हैं। जब हम रोज नहा ही रहे हैं तो फिर यहाँ आकर के नहाने का क्या मतलब है कि भाई हम कहाँ जा रहे हो, क्या नहाने जा रहे हैं? अरे भाई घर में नहा रहे हो तो क्या बात है कि हमारे घर में पानी है, हम नहाते हैं, लेकिन फिर भी हमको यहाँ नहाने के लिए आना पड़ता है, ये सवाल है ना। तो इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब ये है कि आपके घर में जो पानी है उस पानी से जब आप नहाते हो तो आपके शरीर का मैल छूट जाता है, लेकिन जब यहाँ आकर के गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में नहाते हो तो आपके मन का मैल भी छूट जाता है। बाकी के पानी में शरीर का मैल धोने की क्षमता है, लेकिन गंगा के पानी में मन के मैल को भी धो देने की क्षमता है। यही सामान्य पानी से गंगा के पानी का अंतर है, वो यहाँ उपलब्ध होता है। तो मन के मैल को धोना है, मन को साफ करना है। अब मन का जो मैल है वो धुल गया, उसके बाद क्या करना है? तो सबसे मुख्य, वैसे तो माघ महीने भर यहाँ स्नान होता है और कई पर्व भी बीच बीच में आते हैं, लेकिन जो मुख्य स्नान का पर्व है, चाहे कुंभ का दिन हो चाहे सामान्य माघ का महीना हो, मौनी अमावस्या का जो स्नान होता है वही मुख्य स्नान होता है। तो मौनी अमावस्या का स्नान मुख्य कैसे हो गया? इसीलिए मुख्य हो गया क्योंकि ये मन पे असर डालता है। मौन शब्द जो है वो मन से संबंध रखता है। मननान मुनि, मनन करने के कारण जो मनन करने वाला है उसको हमारे यहाँ मुनि कहा गया है। अपने लोग व्यवहार करते हैं ना ऋषि और मुनि, तो ऋषि कौन? ऋषि वो है जो ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, जिन्होंने वेद मंत्रों का दर्शन किया, जिनका अंतःकरण इतना निर्मल था कि उसमें वेद मंत्र अपने आप साक्षात प्रकट हो गए, वो तो ऋषि। और जिसने उन मंत्रों को पढ़ करके सुन करके उन पर मनन किया वो मुनि। तो ऋषि और मुनि में अंतर ये है, दोनों का संबंध वेद मंत्रों से है। ऋषि जो है वो मंत्र का दृष्टा है और मुनि जो है वो मंत्र के अर्थ का मनन करने वाला है। मननान मुनि, जो मनन करे उसी का नाम मुनि है, और वो जो मुनि है उस मुनि का जो भाव है उसी का नाम है मौन, है ना। आदि यच को वृद्धि हो जाती। तो मुनि जो है उसी का भाव मौन कहलाता है। मौन का मतलब है मननशीलता। जब आप कुछ करते रहते हैं, हाथ पैर डुलाते रहते हैं, तो जहाँ हाथ पैर आपका जाता है आपका मन भी वहीं चला जाता है। आँख जिधर ले जाएंगे उधर मन जाएगा, कान जिधर ले जाएंगे उधर मन जाएगा, जीभ जिधर ले जाएंगे उधर मन जाएगा। तो जिस अंग को आप किसी विषय की दिशा में डालते हैं तो आपका मन भी संयुक्त होकर के उसी विषय दिशा में चला जाता है। तो मन स्थिर नहीं रहता, चंचल हो जाता है, क्योंकि कई आपकी कर्मेंद्रियां हैं, कई आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं,
आपकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जिधर जाती हैं मन को साथ लेके जाने का उनका नियम है, अकेली जाती नहीं है, तो आपका मन चंचल हो जाता है। अभी इधर गया, अभी उधर गया, अभी उधर गया, जिधर हाथ गया, जिधर पैर गया, जिधर आँख गई, जिधर नाक गई, जिधर कान गया, उधर आपका मन चला जाता है। तो आपके मन की चंचलता का कारण क्या है? उसका इंद्रियों के साथ गठबंधन बना लेना। जब आपका मन इंद्रियों के साथ गठबंधन बना करके उनके साथ जुड़ा रहता है तो वो चंचल रहता है। अब मन को निश्चल बनाने की आवश्यकता है। मन को निश्चल कैसे बनाएं? तो सबसे पहले गतिविधि, जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं उनको रोकिए, जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको रोकिए और मन को उनसे पृथक करिए। अब मन जो है वो कुछ स्थिर हो गया, क्योंकि इंद्रियां कहीं जा नहीं रही हैं, लेकिन वाणी, अभी वाणी चल रही है। वाणी दो तरह की होती है, एक जिसमें जीभ और होंठ चलते हैं। हमारे यहाँ तीन तरह का जब बताया ना कि एक जो है वाचिक है, एक उपांशु है और एक मानसिक है। तो मानसिक मतलब जिसमें केवल मन काम करता है, ना तो जीभ हिलती है, ना तो होंठ हिलता है, ना तो गले से आवाज बाहर जाती है, केवल मन में कुछ हलचल होती है, यहाँ मस्तिष्क में उसको अनुभव किया जा सकता है। जब आप सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में थोड़ी थोड़ी हलचल होती है, लेकिन बाकी कुछ नहीं हिलता। तो आप बोल नहीं रहे हैं, आपने वाणी का संयम कर दिया, तो अब आपके होंठ भी नहीं हिल रहे हैं, आपकी जीभ भी नहीं हिल रही है, आपके गले से जो ध्वनि है, हवा है, वो बाहर की तरफ आ नहीं रही है, तो अब और शांति हो गई। अब मन जो है उसको कोई ले जाने वाला ही नहीं है, और मन जो है वो अकेले चलता नहीं है, किसी का साथ चाहिए, तो मन स्थिर होने लगा। तो मौन से क्या होता है, अगर तीनों तरह का मौन आप कर लें, माने वाणी का संयम, वाचिक भी, उपांशु भी और मानसिक भी, तीनों तरह का कर लें, उसके बाद मन एकदम शांत हो जाएगा। और जो शांत मन है, जैसे शांत जो तालाब है जिसका पानी हिल नहीं रहा है, उसमें चंद्रमा की का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, ऐसे ही अगर हम अपने मन की हलचल को समाप्त कर दें, मन को स्थिर बना दें, तो परमात्मा का दर्शन साफ साफ होने लग जाता है। मन चंचल होने के कारण प्रतिबिंब तो पड़ रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। मन को शांत बना दें तो परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। इसीलिए मन के संयम की आवश्यकता है, मन के संयम के लिए वाणी के संयम की आवश्यकता है, वाणी के संयम के लिए व्यवहार के संयम की आवश्यकता है। तो जब आप प्रयाग आते हैं तो एक तो आपके सांसारिक सारे कार्य छूट जाते हैं, तो आपकी काया का संयम हो गया। अब आप जो संसार में कार्य करते थे अपने शरीर से, वो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर आए, अगर मौनी अमावस्या को सामने देख करके आप अपने मन का भी संयम कर दे, वाणी का भी संयम कर देते हैं, तो फिर आपका मन स्थिर हो जाता है, और आपका स्थिर मन आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने में समर्थ हो जाता है। इसलिए मौन का बड़ा महात्म्य है, इसलिए मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान का पर्व माना जाता है। अब ये पर्व आ रहा है, आपको उपलब्ध हो गया है, क्षेत्र भी उपलब्ध है, देश काल और वस्तु तीनों आपके सामने हैं, अब केवल लाभ लेने की आवश्यकता है। तो गुरुजी ने जो आपको बताया है बार बार, वही बात दोहरा दे रहे हैं। गुरुजी हर बार ये बात आपको बताते थे यहाँ पर बैठ करके कि मौनी अमावस्या में वाणी का संयम करो, मौन धारण करो, और गंगा के किनारे, यमुना के किनारे संगम में जाओ। संगम कहाँ माना जाए? जहाँ दोनों जल साफ साफ श्यामल धवल दिखाई दे रहे हैं, वहाँ का उसका कोई आग्रह मत रखो, क्योंकि जब पर्व का दिन आता है तो ये बताया गया है कि षटकूल छह किनारे हैं, दो गंगा के किनारे, दो यमुना के किनारे, और दो दोनों की सम्मिलित धारा के किनारे। ऐसे यहाँ पर प्रयाग में षटकूल छह किनारे हैं, जहाँ से आपको संयम दिखाई देता है खड़े होकर के, जहाँ से आप संगम को देख पाते हैं, वो पूरा स्थान संगम ही है। कहीं भी नहाओगे तो आपको संगम के स्नान का ही पुण्य मिलेगा।
इसलिए जहां दो धाराएं मिल रही हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है वहीं गोता लगाऊंगा तो मुझे संगम स्नान का फल मिलेगा, ऐसा आग्रह अपने मन में मत रखिए। ऐसा ना हो कि सब लोग वहीं पहुंच जाएं और भगदड़ मचे तो पता चले कि स्नान के साथ साथ प्राण त्याग का भी फल आपको मिल जाए। यहाँ प्राण त्याग का भी फल है। ऋग्वेद में कहा गया है, सीता सीते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुता सो दिव मत्पतंती ये वही तन्मम विसृजंती धीरा ते जनासो अमृता भवंती। जहाँ सित और असित, श्यामल और धवल हिलोरें आपस में मिलती हैं, उस स्थान पर जो लोग स्नान करते हैं वो दिवम उत्पतंती स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं, और अगर उनका प्राण वहां छूट जाए तब तो वो अमृता ते जनासो अमृता भवंती, वो लोग अमृत हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी है, लेकिन उसके लिए तैयारी करके अभी आप नहीं आए हैं, स्नान करके पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए आए हैं। इसीलिए जहाँ से षटकुल दिखाई दे रहे हैं, जहाँ तक ये क्षेत्र बसा हुआ है, कोई भी धारा मिल जाए वहीं पर स्नान कर लेने से आपको पुण्य लाभ होगा। और तिल का प्रयोग, ये कहा गया है कि मकर की संक्रांति के जब तक एक महीना तक संक्रांति चलती रहती है, फिर अगली संक्रांति आएगी, तब तक तिल का बड़ा महत्व है। माघ मास में तिल को खाना, तिल से नहाना, तिल का दान करना, तिल का होम करना, छह प्रकार से उसका उपयोग बताया गया है। षट तिला पाप नाशिनी, छह तरह से तिल का उपयोग कोई करे तो उसके पाप का नाश हो जाता है। इसलिए तिल को खाना भी जरूरी है और तिल का दान करना भी आपके लिए जरूरी है। तो जो कर सकें उनको ये भी करना चाहिए। और बंधु, एक बड़ी मार्मिक बात, अभी स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज ने हम लोगों से कही, हम लोग उसका अनुभव कर रहे थे, इन्होंने शवाणी से उसको अभिव्यक्त किया। देखिए, अपने लोग बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, पंडाल तो वही है, मंच तो वही है, लेकिन इस पंडाल में आकर के जिस दिव्य स्वरूप का दर्शन हम लोग करते थे और हमारी आँखें, हमारा मन, हमारा कान सब कुछ तृप्त हो जाया करता था, वो विभूति आज हमारे बीच में नहीं है। सब कुछ सोना सा लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि सारा दीपक रखा है उसमें से ज्योत नहीं दिखाई दे रही। और बिना ज्योति का कितना ही बड़ा दीपक बना दो, कितनी ही बड़ी बत्ती लगा दो, कितना ही तेल उसमें भर दो, जब तक ज्योति प्रकट नहीं है तब तक उस दीप का की शोभा कुछ नहीं है। तो हमारे परम पूज्य गुरुजी महाराज जब यहाँ आते थे तो पूरा मेला दीपक होता था और वो उसकी ज्योत हुआ करते थे, ज्योतिष पीठ के अधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज। अब वो ज्योत दिखाई नहीं दे रही है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को उस ज्योति को प्रकट रखना है, उसको तिरोहित नहीं होने देना है। इसलिए हमने ये विचार किया है, अगर आप सब लोग सहमत हों तो हम ये चाहते हैं कि माघ मेले का एक नियम बना दिया जाए कि जब माघ का मेला होगा तो ये शंकराचार्य जी के शिविर से जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के नाम से एक बड़ा पुरस्कार प्रतिवर्ष घोषित हो। और वो पुरस्कार कम से कम 1 लाख, कम से कम 1 लाख से शुरू हो, और ज्यादा भी हो सकता है अपने लोग मिलकर के करें तो। और प्रतिवर्ष पहले 1 लाख का, उसके बाद फिर दूसरे साल दो पुरस्कार हो जाएं, तीसरे साल 3, चौथे साल 4, पांचवें साल 5, जितने वर्ष बीतते जाएं एक राशि बढ़ा करके एक पुरस्कार और बढ़ा दिया जाए। और इस तरह से परम पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के नाम से धर्मनिष्ठा का ये पुरस्कार किसी धर्मनिष्ठ व्यक्ति को दिया जाए जिसने धर्म के क्षेत्र में बड़ा कार्य किया हो, उसको जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज धर्मनिष्ठा पुरस्कार ये प्रदान किया जाए और एक विशाल चित्र उनका स्थापित हो, उसी के सम्मुख खड़े हो करके हम लोग ये धर्मनिष्ठा पुरस्कार दें।
अगर आप लोग सब लोग राजी हो तो ये प्रस्ताव हाथ उठा करके पास करो। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। देखिए आप सबका समर्थन मिला है तो ये पुरस्कार हम लोग घोषित कर रहे हैं। 1,00,000 रुपए से ये पुरस्कार शुरू हो रहा है इसी वर्ष, और आप लोग जिस किसी धर्मनिष्ठ का नाम सुझाइए तो कल मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग क्षेत्र में स्नान करके हम लोग इस पुरस्कार को उस व्यक्ति को नाम घोषित कर दें। इस बार का पुरस्कार उनको प्रदान कर दिया जाए और अगले साल से फिर 2, फिर 3, फिर 4 जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जाएंगे ये पुरस्कार बढ़ता चला जाएगा। तो ये महाराज श्री का स्मरण ये पुरस्कार हम लोगों को कराता रहेगा। हम लोगों के अंदर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो उन्हीं का दिया हुआ है। उन्होंने ही हम लोगों को अपनाया, उन्होंने ही हम लोगों को नाम दिया, उन्होंने ही हम लोगों को काम बताया, और जाते जाते उन्होंने ही ये दायित्व दे दिया और कह दिया कि हमारी आज्ञा है। हम लोग तो नहीं चाहते थे, सच्चाई यही है, हम लोगों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि महाराज श्री किसी और को ये दायित्व दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी आज्ञा है। और जब आज्ञा कह दिया तो गुरु की आज्ञा, आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीय, गुरुओं की आज्ञा पे विचार नहीं किया जाता। मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तो हम लोग यहाँ पर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं बंधु कि पद प्राप्त करने के लिए किसी के मन में लालसा होगी, लेकिन आप अभी कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया था, विवाद शुरू करके उन्होंने कहा कि हम वांट निकालेंगे और जिन जो लोग शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं वो लोग आवेदन करें, फिर हम उनकी परीक्षा करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, जो जीतेगा उसको शंकराचार्य बनाएंगे। आप लोगों में से भी जो लोग जुड़े रहते होंगे उन्होंने सुना होगा। सवाल ये है कि 2,500 साल की हमारी शंकराचार्य जी की परंपरा है, 4 शंकराचार्य जी के पीठ हैं, आज तक ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि किसी को शंकराचार्य बनाने के लिए कोई शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया हो और जो शास्त्रार्थ जीत जाए उसको शंकराचार्य बना दिया गया हो। ये परंपरा ही नहीं है। परंपरा क्या है? और ये भी नहीं है कि कोई आवेदन करे कि मैं शंकराचार्य बनना चाहता हूं, क्योंकि आप बारीकी से अगर विचार करेंगे तो पाएंगे कि इस पद पर सन्यासी बैठता है और उत्तम सन्यासी बैठता है। जो उत्तम सन्यासी है वो किसी पद प्रतिष्ठा की आशा क्यों करेगा? सन्यासी तो दायित्व छोड़ करके घर से बाहर निकला है, ब्रह्मचिंतन करने के लिए निकला है, उसको किसी मठ के मठाधीश बनने के क्या प्रयोजन हो सकता है, किसी पद पर बैठने का क्या प्रयोजन हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति सन्यासी बनकर किसी पद की आकांक्षा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सन्यासी ही नहीं है, क्योंकि सन्यासी किसी पद पर आने की आकांक्षा कर ही नहीं सकता। जैसे ही आकांक्षा करेगा उसका सन्यासित्व समाप्त हो जाएगा, तब फिर ये पद कैसे भरा जाएगा? आपको हम इतिहास बताना चाहेंगे। जब ज्योतिष पीठ पर रिक्तता को देख करके 1941 के पहले भारत धर्म महामंडल को तीनों पीठों के शंकराचार्यों ने आदेश किया कि यहाँ पर किसी योग्य सन्यासी को शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए, तो भारत धर्म महामंडल के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विद्वान और पहुंचे हुए सन्यासियों के पास गए। 3 साल का समय लगा, कोई जो योग्य सन्यासी होते थे उनके पास वो जाते थे, कहते थे कि आप शंकराचार्य बनना चाहेंगे, वो कहते थे नहीं नहीं हम नहीं, हमको इसमें मत डालिए। कोई 3 वर्ष बीत गया, कोई शंकराचार्य बनने के लिए तैयार नहीं था, जबकि उस समय बड़े बड़े योग्य सन्यासी थे। तब जा करके भारत धर्म महामंडल के विद्वानों ने द्वारका के शंकराचार्य जी से पूछा, मधुसूदन तीर्थ जी से, कि महाराज ये बताइए कि कोई सन्यासी तैयार क्यों नहीं हो रहा है शंकराचार्य बनने के लिए? कहा आप लोग उनसे क्या कह रहे हैं? कहा हम यही कहते हैं कि शंकराचार्य बनने के लिए आप तैयार हैं, अगर आप कहें तो हम पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। बोले यही आप गलत कर रहे हो,
कोई सन्यासी किसी पद पर जाने की इच्छा कर ही नहीं सकता अगर वो सच्चा सन्यासी है तो। तो उन्होंने कहा फिर हमारा ये पद रिक्त जो है उसको पूर्ति कैसे होगी। कहा ये पूर्ति तब होगी जब कोई योग्य सन्यासी आपके ध्यान में हो और उसका गुरु जीवित हो, तो आप उस सन्यासी से बात मत करो, उसके गुरु के पास जाओ और गुरु से कहो कि आप अपने चेले को आदेश कर दीजिए कि ये दायित्व वो संभाल ले तो हमारा काम बन जाए। जब ये रास्ता उनको मधुसूदन तीर्थ जी ने सुझाया, तब विद्वान लोग ब्रह्मानंद सरस्वती जी के महाराज के गुरु स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी काशी में सिद्धगिरी बाग में थे, उनके पास गए और जा करके प्रार्थना की कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, ज्योतिष पीठ में हमको आचार्य की आवश्यकता है, आपके शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, हम उनको चाहते हैं कि ये दायित्व मिले, लेकिन उनसे कहेंगे तो हमको पता है कि वो मना कर देंगे, कई लोगों से हमने बात की सब मना कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनको आदेश कर दीजिए, गुरु का आदेश कोई सन्यासी नहीं टालता है, तो आपका जब आदेश हो जाएगा तो वो भी टाल नहीं पाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तब कृष्णानंद सरस्वती जी ने ब्रह्मानंद सरस्वती को बुलाया और कहा बेटा मेरा आदेश है कि तुम ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होकर के धर्म का कार्य करो, धर्म की सेवा करो। तो गुरु के आदेश से बंधे हुए होकर ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने इस पद को संभाला था, स्वयं की किसी की इच्छा नहीं है। तो जो इच्छा करेगा वो शंकराचार्य पद पर बैठने के काबिल ही नहीं रहेगा, उसका सन्यासी तो ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भी गुरु जी का आदेश हुआ और उस आदेश का पालन करने के लिए हम लोग दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं और जहां तक शक्ति सामर्थ्य दिया हुआ गुरु जी का है हमारे पास, उसी से उनके आदेश का परिपालन करने के लिए सदा प्रयास करते रहेंगे। और हमको पता है कि अगर हमारे प्रयास ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे, तो आप सब सनातन धर्मियों का सहयोग हमको मिलेगा और हम फिर से देश में सनातन धर्म की ये जो धर्म ध्वजा है इसको ऊंचे से ऊंचा फहराने में समर्थ हो सकेंगे। तो बस कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मौनी अमावस्या और सायंकाल के हमारे मौन का नियम हमको अब इससे ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं देता है, तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। लेकिन विराम देने का मतलब ये भी नहीं है कि आप सनातन धर्मियों से हमारा संवाद समाप्त हो रहा है। किसी न किसी माध्यम से जहाँ रहेंगे वहाँ से देश के 100 करोड़ से अधिक जो सनातन धर्मी हैं उनसे हम संवाद निरंतर बनाए रहेंगे और आप हमारी बात सुनते रहेंगे और आप जो कहेंगे उसको भी हम किसी न किसी में रूप में सुनेंगे और सुन करके उसका जवाब भी देने का आपको प्रयास करेंगे। तो आप सब माघ में आए हैं, आपका ये पर्व स्नान सफल हो यही शुभकामना करते हुए परमलीन जगत गुरु जी महाराज का आशीर्वाद आप सबके लिए अभिव्यक्त करते हुए और पूज्यपाद द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पधारे, बड़ी कृपा की उन्होंने, अभी किसी और कार्यक्रम के लिए गए हैं, वो भी कल मौनी स्नान करेंगे यहाँ पर, तो उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव।